फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाला हिंदी पट्टी का कोई आदमी मुंबई के किसी एक पॉलिटिकल चेहरे को बहुत अच्छे से जानता हो तो वो नाम थे बाबा सिद्दीकी। हर साल और तब से जब रील और वायरल का ज़माना नहीं था, बाबा सिद्दीकी की गोल गले के सूट में एक तस्वीर सामने आती थी। इसमें एक बाह के नीचे सलमान खान और दूसरी बाह के नीचे कभी शाहरुख खान तो कभी संजय दत्त तो कभी इसी कद का कोई और स्टार होता था। मौका होता था इफ्तार पार्टी का। सलमान खान एक बाह के नीचे फिक्स थे, दूसरी बाह के नीचे का सितारा वक्त और माहौल के हिसाब से बदलता रहता था। एक समय मीडिया में ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरने वाली सलमान शाहरुख के गले मिलती तस्वीरें भी कथित तौर पर उनकी ही सुलह का नतीजा थी। कहा गया कि अगर कोई सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक छत के नीचे ला सकता है तो वो इकलौता नाम बाबा सिद्दीकी का है। दशहरे वाले दिन 12 अक्टूबर की शाम बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुनिया जिन फिल्मी सितारों का जलवा मानती है, वो सितारे कैसे बाबा सिद्दीकी का जलवा मानते थे, इसकी ज़मीन क्या थी और वो कैसे तैयार हुई, कैसे एक घड़ी सास के बेटे ने शाहरुख सलमान जैसी हस्तियों का समय ठीक किया। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं डे टू डे हिंदी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इसमें कहा गया कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वालों का हिसाब किताब ऐसे ही होगा। हालांकि इस पोस्ट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हत्या के 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब आते हैं बाबा सिद्दीकी के अतीत पर। बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर बिहार के गोपालगंज में है। उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी बम्बई में घड़ियां बनाने का काम करते थे। सिद्दीकी भी अपने पिता की दुकान पर घड़ियां बनाने का काम करते थे। उन्हें बचपन से ही पब्लिक लाइफ जीने का जुनून था, सो पढ़ाई के दौरान ही राजनीति का रास्ता ले लिया। साल 1977 में वे NSUI से जुड़ गए और 3 साल बाद 1980 में यूथ कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए। 2 साल और बीते, फिर वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कहलाए। ये वो वक्त था जब बाबा सिद्दीकी ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने का मन बनाया। समय बीता, वे बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे और अब इस सीट से उनके बेटे जीशान सिद्दीकी विधायक हैं। लेकिन बात इनके फिल्मी कनेक्शन की होनी थी तो ये कनेक्शन रहा बांद्रा। मुंबई का बांद्रा वो जगह है जहाँ एक समय ज़्यादातर फिल्मी स्टार रहा करते थे। आज भी इनमें से कईयों के बंगले यहीं हैं। बाबा सिद्दीकी को अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ते ही समझ आ गया था कि अगर बांद्रा से चुनाव लड़ना है और यहाँ परमानेंट जगह जमानी है तो फिल्मी हस्तियों के को भरोसे में लेना पड़ेगा। इसी कवायद में उनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त से, जो बाद में अच्छी दोस्ती में बदल गई। बाबा सुनील दत्त के अच्छे दोस्त थे और उनके हर अच्छे बुरे दिनों में साथ खड़े रहे। बाद में संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती गहराई और यहीं से शुरू हुआ बाबा सिद्दीकी का असली फिल्मी सफ़र। उन इफ्तार पार्टियों का सफ़र जहां बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां बैठने के लिए कुर्सियां तलाशती फिरती थीं। संजय दत्त ने बाबा की मुलाकात सलमान खान से करवाई थी। सलमान से जब बाबा सिद्दीकी की अच्छी बनने लगी तब इस राजनेता को फिल्मी दुनिया में भरोसे का नाम माना जाने लगा। ऐसा एक छत्र भरोसा कि कभी एक दूसरे से मिलने से भी परहेज रखने वाले सलमान और शाहरुख को बाबा ने मंच पर बुलाकर गले लगवा दिया। बॉलीवुड के ये 2 सुपरस्टार बरसों बाद एक दूसरे के न सिर्फ आमने सामने दिखाई दिए बल्कि हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हालचाल लेते भी दिखे। लेकिन इन सब के पीछे फिल्मी दुनिया में चलने वाली ये बात भी थी कि जिसके साथ बाबा सिद्दीकी खड़े हों उसे ना तो किसी से डरने की ज़रूरत है और ना घबराने की। चाहे हिट एंड रन केस हो या हिरण के शिकार का आरोप, सलमान खान के साथ हर हालत में बाबा सिद्दीकी खड़े रहे। हाल ही में जब बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी तब बाबा सिद्दीकी ने सरकार से सलमान की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की थी। बाबा सिद्दीकी के लंबे फिल्मी कनेक्शन के 2 शुरुआती नाम हैं संजय दत्त और सलमान खान। इन दोनों नामों में एक बात एक ही जैसी है, वो है इनकी गर्दिश। इन दोनों पर इनके करियर के दौरान खूब आरोप लगे और दोनों ने बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। संजय दत्त तो खैर जेल की सजा पूरी करके ही लौटे, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों की हनक या उनका असर या आम भाषा में कहें तो जलवा वैसे कम नहीं हुआ जैसे और किसी हस्ती का हो जाता। कहा जाता है कि इसकी वजह बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड और मुंबई के सभी प्रभावशाली लोगों के बीच असर था। शायद ये भी एक वजह होगी कि बाबा पर दाऊद गैंग से संबंध रखने के आरोप लगातार लगते रहे। हालांकि ये बात भी है कि इन आरोपों को बाबा सिद्दीकी ने हमेशा सिरे से खारिज किया और कभी किसी तरह से ये आरोप साबित नहीं हुए। बांद्रा में बाबा का हाथ ही हिफाजत का हाथ माना जाता रहा
उनका बांद्रा में होना यह तय करता था कि साल में एक बार दोस्ती दुश्मनी से परे फिल्मी लोग एक छत के नीचे इकट्ठे होकर इंडस्ट्री की एकता का संदेश दिया करते थे। फिलहाल अब यह जिम्मेदारी बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा से विधायक जीशान सिद्दीकी पर है कि वो अपने पिता की रवायत को किस तरह संभाले रखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।